मोदी जी की स्केच बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले आप 4B पेंसिल से आइज ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। पहले हम इसको देख के बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा बनता है। मोदी जी का फेस बन गया है, अब बाकी हम उनका नीचे की शर्ट और हेयर बनाते हैं, क्योंकि उनके हेयर वैसे भी वाइट है तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। फिर आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मैं फर्स्ट टाइम मोदी जी का स्केच ड्राइंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ कीप वॉच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो गाइज, अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी हो, अब ये पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया है। मैंने फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी की ड्राइंग की है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं इसमें थोड़ी बहुत और इसमें आउटलाइन कर देती हूँ ताकि वो और अच्छे लगे। अब मैंने पहली बार किया, क्योंकि मुझे स्केचिंग बिल्कुल नहीं बनती, मैं बस कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने अक्षय कुमार की, सलमान खान की, और ये नरेंद्र मोदी, ये मेरी तीसरी स्केच है जो कि मैंने बनाई है सिर्फ इमेजिन कर कर के। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इरेजर से इनकी जो बियर्ड है हल्का हल्का इरेज कर देती हूँ, जिससे कि इसमें हेयर जैसे लगेंगे, क्योंकि अब इन मोदी जी की तो जो बियर्ड हैं वो तो वाइट ही रहती हैं। तो मैं ऐसे कर देती हूँ, और हेयर में हल्के हल्के ड्रॉ कर दिया है मैंने हेयर। तो अगर आपको मेरा स्केच ये मोदी जी का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़